नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं केमिस्ट्री का अध्याय 5 सतह रसायन के बारे में। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबा दें ताकि हर वीडियो आप तक पहुंचे और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। हमने भाग एक और भाग दो पहले पढ़ लिया था। आज हम बात करेंगे सतह रसायन के अंतर्गत भाग तीन की। हमने भाग एक में सतह किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ा था, फिर अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, अधिशोषक क्या होता है, अधिशोष्य क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसके बाद में हमने भौतिक अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, और हमने पढ़ा था रासायनिक अधिशोषण क्या होता है उसके बारे में पढ़ा था, उसमें अंतर पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे अधिशोषण का उपयोग। अधिशोषण का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। अधिशोषण किसको कहते हैं, क्या बोला था हमने कि जब कोई कण आकर कहीं दूसरी जगह स्थापित हो जाता है तो आकर स्थापित होने की जो घटना होती है उसको बोलते हैं अधिशोषण। उसके बाद में आगे हमने देखा था कि जो आने वाला कण होता है उसको अधिशोष्य बोलते हैं और जहां पर आता है उसको बोलते हैं अधिशोषक। मतलब जो ग्रहण करता है उसको अधिशोषक बोलते हैं, जिसका ग्रहण होता है उसको अधिशोष्य बोल रहे थे और इस पूरी घटना को अधिशोषण कहते थे। हमने क्या देखा था कि जैसे खाद और दवाइयां जहां पर रखते हैं वहां पर नमी आ जाती है, तो खाद और दवाइयां रखते हैं वहां पे नमी आ जाती है तो नमी को हटाना पड़ेगा। अगर नमी हटाएंगे नहीं तो खाद खराब हो जाएगा, दवाइयां खराब हो जाएगी, तो उसको हटाने के लिए एक पदार्थ का उपयोग करते हैं जिसको हम सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल, ये नाम याद रखेंगे आप लोग, सिलिका जेल। सिलिका जेल का उपयोग किसमें करते हैं, नमी को हटाने के लिए सिलिका जेल का उपयोग करते हैं। एक तो इसका उपयोग ये हो जाएगा, क्या उपयोग हो जाएगा, दवाइयां के संरक्षण में सिलिका जेल का उपयोग। तो इसको जब हम लिखेंगे थोड़ा व्यवस्थित लिखेंगे, क्या लिखेंगे तब मैं बोल दूंगा उसको, व्यवस्थित बोल दूंगा, आप लिख लेना उसको, कि खाद और दवाइयों को रखते हैं तो उसके आसपास नमी आ जाती है, नमी को सोखने के लिए जिस पदार्थ का उपयोग करते हैं उसको क्या कहते हैं, नमी कहते हैं, सॉरी सिलिका जेल कहते हैं। सिलिका जेल क्या कर रहा है, नमी को खींच रही है। यहाँ पे प्रश्न घूमता है, यहाँ पे नमी क्या हो जाएगी, अधिशोष्य, और सिलिका जेल क्या हो जाएगा, अधिशोषक। तो इसको याद रखेंगे, ये अधिशोषक है और नमी हो जाएगी अधिशोष्य। ये पिछले वीडियो में हमने बात भी करी थी, इसको पढ़ा भी था हमने, क्या अधिशोष्य और क्या अधिशोषक है। दूसरी बात, कठोर जल जो होता है, कठोर जल में जब कोई आयन मिलाते हैं या फिटकरी मिलाते हैं तो कठोर जल में जो आयन होते हैं वो क्या करते हैं, आयन टूट जाते हैं और एक दूसरे के विपरीत आवेश से जुड़ जाते हैं, जिसके कारण जो धनायन और जिसे कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन होते हैं वो आयन जिस पदार्थ को मिला रहे उसके आयन के साथ में मिलकर नीचे बैठ जाते हैं, आयन नीचे बैठ जाते हैं जिसके कारण कठोर जल जो होता है उसके आयन समाप्त हो जाते हैं, और आयन समाप्त हो जाते हैं तो जो कठोर जल है वो जल मृदु जल बन जाता है। क्या बन जाता है, वो जल मृदु जल बन जाता है, यानी कि उपयोग के लायक बन जाता है। वहां पे भी अधिशोषण का प्रयोग कर रहे हैं, मतलब जिस पदार्थ को हमने मिलाया और कठोर जल में से जो आयन आके इसके ऊपर चिपक गए, तो जो पदार्थ आके चिपके, जैसे ये पानी है और इस पानी में हमने कोई पदार्थ मिला दिया और पानी में जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो आयन थे वो इस पदार्थ से चिपक जाते हैं, तो ये आके चिपक रहे हैं
मतलब कैल्शियम आयन क्या हो जाएगा, ये अधिशोष्य हो जाएगा, अधिशोष्य। इसी प्रकार से मैग्नीशियम आयन होगा तो वो भी क्या हो जाएगा, अधिशोष्य। और जिस पदार्थ को डाल रहे हैं, जैसे मान लो फिटकरी को डाल रहे हैं, तो फिटकरी को डाल रहे हैं तो फिटकरी में भी आयन होते हैं, एल्यूमिनियम का आयन होते हैं। तो मान लिया हमने कि फिटकरी में एल्यूमिनियम का आयन था, तो ये जो एल्यूमिनियम का आयन है इसके ऊपर कौन चिपकता है, यहाँ का जो भी मतलब आयन रहता है वो चिपक जाए, तो ये एल्यूमिनियम का आयन क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अधिशोषक, अधिशोषक। हालांकि ये एल्यूमिनियम का आयन प्लस है और कैल्शियम का आयन प्लस है, तो प्लस प्लस चिपकता नहीं है, फिटकरी के साथ में जो ऋणायन का ऋणायन होगा उससे चिपकेगा ये। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा था यहाँ पे कि पानी में उपस्थित आयन और जिसको हम डालते हैं वो वाला आयन, जिसको डालते वो वाला आयन अधिशोषक कहलाता है, और पानी में जो उपस्थित आयन पहले से वो कहलाता है अधिशोष्य। इस बात का ध्यान रखेंगे, इतनी सी बात है। अगली बात, जैसे कुछ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लोग होते हैं या फिर जो भी काम करते हैं, वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और फैक्ट्री में विषैली गैस का विसर्जन होता है या विषैली गैस निकलती है, तो मास्क का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, मास्क का प्रयोग करते हैं। और मास्क जो होता है उस मास्क में एक पदार्थ लगा रहता है, चारकोल, चारकोल पदार्थ रहता है। जब विषैली गैसें आती है तो जो मास्क रहता है, मास्क के ऊपर क्या रहता है, चारकोल होता है। तो विषैली गैसें जब आती है तो विषैली गैस में विषाणु कौन से हैं, कीटाणु कौन से हैं, क्या जहरीला पदार्थ है, उस जहरीले पदार्थों को, जैसे ये मास्क है, मास्क के ऊपर चारकोल लगा हुआ है, तो वो चारकोल उस जहरीले पदार्थों को यहीं पे रोक लेता है, चिपका लेता है। चिपका लेता मतलब अधिशोषण की क्रिया हो जाती है। जहरीले पदार्थ यहाँ पे चिपक जाते हैं, जहरीली गैस यहाँ पे चिपक जाती है, और शुद्ध गैस हमारे शरीर के अंदर यानी कि श्वसन नलिका से हमारे शरीर में प्रवेश करती है। तो यहाँ पे चारकोल, चारकोल जो पदार्थ है यहाँ पे लगा हुआ है, चारकोल क्या क्या हो जाएगा, अधिशोषक हो जाएगा, और जहरीली जहरीले पदार्थ क्या हो जाएंगे, अधिशोष्य हो जाएगा। तो अधिशोषण का प्रयोग यहाँ पे भी हो रहा है, कहाँ पे, मास्क के रूप में भी, मास्क के साथ भी अधिशोषण की क्रिया होती है। इस तरह से जैसे कपड़े की बात करें, अगले पॉइंट की बात करेंगे, तो कपड़े जो भी कपड़े होते हैं पहले जब बनते हैं तो प्लेन बनते हैं, कोई कलर नहीं होता है, लेकिन बन जाने के बाद उनको कलर दे देंगे, और जो कलर देते हैं तो कलर क्या होता है, कपड़े पे आके चिपकता है, तो कपड़ा क्या हो जाएगा, अधिशोषक हो जाएगा, और कलर क्या हो जाएगा, अधिशोष्य हो जाएगा। और यहाँ पर जो क्रिया हो रही है वो कौन सी क्रिया हो रही है, अधिशोषण की क्रिया, तो अधिशोषण का उपयोग यहाँ पर भी हो रहा है। और अगले पॉइंट हम देखेंगे और लिखेंगे, आप जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम यानी कि डीजल पेट्रोल, इसको जब शुद्ध करते हैं उसके अंदर जो अशुद्धियां होती है उन अशुद्धियों को निकालने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं, अधिशोषण का प्रयोग ही करते हैं। तो उपयोग में पहला पॉइंट लिखेंगे, आप चाहो तो प्रश्न बना लेना कि अधिशोषण के उपयोग लिखिए, उसके बाद में उत्तर लिखेंगे। अधिशोषण के उपयोग निम्न है, फिर पहला पॉइंट लिखेंगे, इसके उपयोग में पहला पॉइंट है, लिखो, वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण, वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण या दवाइयों का संग्रहण वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण या दवाइयों का संग्रहण जिस स्थान पर किया जाता है, संग्रहण मतलब इकट्ठा, वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण या दवाइयों का संग्रहण जिस स्थान पर किया जाता है वहां सिलिका जेल रख देते हैं,
वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण या दवाइयों का संग्रहण जिस स्थान पर किया जाता है वहां सिलिका जेल रख देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखना। सिलिका जेल रख दी मतलब कौन सी क्रिया होगी? अधिशोषण की क्रिया होगी। पैराग्राफ चेंज करेंगे, लिखेंगे यहां सिलिका जेल वायुमंडल की नमी को सोख लेती है। यहां मत लिखना यह सिलिका जेल वायुमंडल की नमी को सोख लेती है। फिर से बोल रहे हैं, वायुमंडल की नमी से खराब होने वाले उपकरण या दवाइयों का संग्रहण जिस स्थान पर किया जाता है वहां सिलिका जेल रख देते हैं। यह सिलिका जेल वायुमंडल की नमी को सोख लेती है। इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, आयन विनिमय विधि के द्वारा जल की कठोरता को अधिशोषण की क्रिया से दूर कर सकते हैं। आयन विनिमय विधि के द्वारा जल की कठोरता को अधिशोषण की क्रिया से दूर करते हैं। आयन विनिमय विधि के द्वारा जल की कठोरता को अधिशोषण की क्रिया से दूर करते हैं। आयन विनिमय विधि के द्वारा जल की कठोरता को अधिशोषण की क्रिया से दूर करते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे, कपड़ों के रंगाई में रंग बंधक के रूप में अधिशोषण का उपयोग करते हैं। कपड़ों के रंगाई में रंग बंधक के रूप में अधिशोषण का प्रयोग करते हैं या उपयोग करते हैं। ये रंग बंधक पदार्थ रंजक को अपनी सतह पर रोक लेता है। कपड़ों के रंगाई में रंग बंधक के रूप में अधिशोषक रंग बंधक क्या करता है? रंग को पकड़ के रख लेता है। रंग बंधक मतलब रंग को बांधने वाला। कपड़ों के रंगाई में रंग बंधक के रूप में अधिशोषक का उपयोग करते हैं। ये रंग बंधक पदार्थ रंजक को अपनी सतह पर रोक लेता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, गैस मास्क के रूप में ये पॉइंट डालेंगे, उसके बाद में इसमें वर्णन करेंगे। गैस मास्क के रूप में लिखें, उसमें प्रायः सभी गैस मास्क सक्रियतः चारकोल या सिलिका जेल होता है। प्रायः सभी गैस मास्क सक्रियतः चारकोल या सिलिका जेल होता है। जो रंग गंध एवं विषैली गैसों का अधिशोषण कर लेते हैं। जिससे श्वास लेने के लिए शुष्क वायु प्राप्त होती है। अगला पॉइंट लिखेंगे, पेट्रोलियम वनस्पति तेलों एवं शक्कर के शोधन में पेट्रोलियम
वनस्पति तेलों एवं शक्कर के शोधन में पेट्रोलियम वनस्पति तेल एवं शक्कर के शोधन में ये हो गए इसके उपयोग, विशेषकर जो खास खास पॉइंट थे उनकी बातें हमने करी। अब बारी आती है, ये उपयोग हो चुके हैं पूरी तरह से, अब हम अगली बात अगले वीडियो में करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखें और समझ में नहीं आए तो बार बार देखें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें और नोट्स बना लें, पढ़ते रहिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।